हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से है होली का फेस्टिवल एंजॉय किया होगा। तो ये होली के दिन का ब्लॉग, और यहाँ सुबह मैं सबसे पहले भगवान जी के मंदिर गई, मैं और आर्या। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले भगवान जी को अबीर गुलाल लगाई और उनकी पूजा अर्चना करी। देन उसके बाद घर आके मैंने अपना डेली रूटीन किया, जो कि मैंने अपना वर्कआउट वगैरह किया। और वर्कआउट क्योंकि मैंने इसलिए थोड़ा टाइम निकाल के किया कि बहुत ज़्यादा ऑयली वगैरह हो जाएगा खाना पीना, तो क्यों ना मैं सुबह पहले कर लूँ, जो भी कैलोरीज हैं वो बर्न कर लूँ, जिससे जो और एक्स्ट्रा मैं खाऊँ पीऊँगी वो मेरे ज़्यादा बॉडी में लगे नहीं। सो मैंने इसीलिए किया। और वर्कआउट फेस्टिवल हो या कुछ, हमें थोड़ा टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वर्कआउट वगैरह करने के लिए। तो मैंने कुछ इजी वाले ही किए जल्दी जल्दी से, जिससे जल्दी जल्दी हो सके। और क्योंकि फेस्टिवल वाले दिन दोस्तों बहुत ज़्यादा काम भी होते हैं और हमें इतना टाइम मिलता नहीं है कि हम कुछ कर सकें, और फेस्टिवल वाले दिन लोगों का आना जाना भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैंने सोचा पहले क्यों ना जल्दी से मैं अपना ये काम निपटा लेती हूँ। तो उस दिन मैं थोड़ा जल्दी भी जग गई थी क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना था, और मंदिर में तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है और सब लोग इस टाइम शंकर जी की बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना करने लगे हैं। हर घर से एक व्यक्ति तो ज़रूर से ज़रूर जा रहा है मंदिर। जब से प्रभाव उसका पड़ा, जब से हम पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनने लगे, उनके कथा सुनने के बाद लोगों को जागरूक हुए मंदिर जाने के लिए। तो अब हर व्यक्ति मंदिर जाता है तो भीड़ बहुत हो जाती है मंदिर में फेस्टिवल के सीज़न में भी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं जल्दी होके आती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपना वर्कआउट वगैरह कर लेती हूँ, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो और घर में फिर खाना पीना और गुजिया वगैरह बनानी होगी। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए सिंपली ये चीला बनाया, बेसन का, जो पूरा वेजीज का था, और मैंने सोचा मैं दोपहर में यही खा लूँगी। देन उसके बाद मैं शाम को ही कुछ पूड़ी या कुछ वैसा खाऊँगी, क्योंकि फेस्टिवल में पूड़ी और ये सब ऑयली सब्जी वगैरह बनती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये चीला पहले बना के खा लूँ और लंच में फिर मैं शाम को देखूँगी होली होली खेल के क्या मुझे खाना है। तो ये मैंने सिंपली यही बनाया था, और तो ये मैंने दही के साथ लिया था। और इसके बाद फिर हम गुजिया बनाए। गुजिया बनाने में क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है दोस्तों, और मैंने मम्मी ने मिलकर बनाई थी। और ये मैं ले रही हूँ अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। तो मॉर्निंग ड्रिंक में मैंने वही सेम जीरा पानी नींबू लिया है, क्योंकि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जीरा पानी और ये नींबू से ना मेरा काफ़ी वेट लॉस होता है, इसलिए मैं यही लेती हूँ मॉर्निंग ड्रिंक में। तो दोस्तों, यहाँ पर हो चुका है ब्रेकफास्ट का टाइम और लेके मैं आ गई हूँ अपना ब्रेकफास्ट। अभी बजे हैं सुबह के 10:30 और मैं जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने। तो ब्रेकफास्ट में मैं मोस्टली ये फ्रूट्स वगैरह ही लेती हूँ, या मैं वो काले चने और उसमें सारा वेजीज वगैरह ऐड करके वो मैं लेती हूँ। तो वो काले चने मैं रात को बॉयल कर देती हूँ, उसके बाद जो भी वेजिटेबल्स आती हैं मैं उसमें छोटा छोटा कट कट करके ऐड कर लेती हूँ। तो आज मैंने लिया है ये पपाया, जो कि पपाया बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। एक्चुअली मार्केट से लाए हैं तो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, बट ये खरबूजा जैसा लग रहा, देखिए आप लोग तो। लेकिन खाने में बहुत मीठा है, आर्या के पापा ने खाया था तो वो बता रहे थे कि मीठा है खाने में। और ये मैंने कुछ ग्रीन वाले ग्रेप्स लिए हैं और कुछ ब्लैक वाले। तो चलिए अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट कुछ भी खाएं, उसको आप अच्छी तरीके से चबा के ही। देखिए दोस्तों, हमें कुछ भी खाना है ना, उसको अच्छी तरीके से चबा चबा के ही खाना है, जिससे वो डाइजेस्ट अच्छे से हो जाए और हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है ना पेट में, वो बहुत जल्दी से हो सके। तो यहाँ मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं देखूँगी और घर के क्या काम है उन वो मैं कराऊँगी जल्दी से, उसके बाद फिर हम होली। मैंने फिनिश कर लिया है अपना ब्रेकफास्ट और मैं लंच करूंगी वही 1:30 बजे के करीब, 1 बजे के करीब, जब आर्या स्कूल से आ जाती है, उसके बाद ही हम लंच करते हैं।
तो अगर आप लोग कुछ चीजें कुछ डाइट फॉलो करेंगे तो आपका वेट लॉस डेफिनेटली होगा। और सबसे बात ये ध्यान रखा करिए कि कुछ भी खाएं, खाना खाने में टाइम लगाएं और 32 32 बार चबा के खाएं। अगर आप 32 बार चबा के नहीं खा पा रहे हैं ना, तो आप टाइम दें खाना खाने में, कम से कम आधे घंटे का टाइम बिल्कुल दें। और जब तक टाइम नहीं देंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। तो खाना खाएं आराम से, स्लोली स्लोली खाना खाएं। ऐसे मत खाएं कि ट्रेन छूट रही, बस छूट रही, आराम से एक जगह बैठ के सारा काम वाम निपटा के उसके बाद खाना खाएं। तो जब आप चबा चबा के खाना खाएंगे ना, तो वो डाइजेस्ट भी बहुत अच्छी तरीके से होता है। ऐसे आप जल्दी जल्दी खा लेंगे और वो पूरा नहीं ना जब तक, तो आपका खाना भी डाइजेस्ट नहीं होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, तरह तरह की बीमारियां होंगी। तो सबसे पहले हम खाना ही धीरे चबाने से क्यों ना स्टार्ट करें अपनी इस वेट लॉस जर्नी में। तो जब आप खाना अच्छे से खाएं, लिक्विड की जैसे आपका जब खाना हो जाए तब उसे अंदर ले जाएं। तो यही है 32 बार वाला फॉर्मूला का नियम। और जैसे मैंने वेट लॉस किया है, वैसे आप लोग भी अपना डेफिनेटली वेट लॉस। तो यहाँ पर हो रही है गुजिया बनाने की तैयारी। तो ये खोया में हमने मिक्स किया इलायची और चिरौंजी और गरी और पिसी हुई शक्कर जो, और ये खोया हमारे घर का ही है, मम्मी ने बनाया था। और ये मैदा लगा के हमने मोवन लगा के रख लिया है। और ये स्टफिंग की तैयारी हो रही है। तो मम्मी बेल रही थी, मैं स्टफिंग कर रही थी, और ये जल्दी जल्दी से हम लोग अपनी गुजियाँ बना लेते हैं। चलिए, और होली का ऐसा फेस्टिवल है जिसमें गुजियाँ तो हर घर में बनती हैं, बहुत ही रेयर ऐसे घर होंगे जिनके यहाँ बनती नहीं होगी, वरना हर घर में बनती है। और ये देखिए हमारी गुजिया बन के रेडी है और इनका तलने का टाइम है। तो हमारे यहाँ इसको कुछ लोग डालडा में करते हैं, कुछ लोग घी में करते हैं, कुछ लोग रिफाइंड में करते हैं, जिसका जैसी मर्जी हुई। देखिए कितनी अच्छी अच्छी लग रही है और मुझे तो बहुत पसंद है। तो मीठा है कुछ तो थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है, लेकिन मुझे ना स्पेशली गुजिया बहुत पसंद है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें पसंद नहीं होती है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और देखिए आप लोग कि गर्मा गर्म गुजिया बन के रेडी है। आप लोग भी आइए, खाइए आके, और अपनी वेट लॉस जर्नी एक दिन आप गुजिया खा लीजिए, दूसरे दिन से स्टार्ट करिएगा। तो यहाँ देखिए गर्मा गर्म बन के रेडी हैं और ये मम्मी तल रही थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना पापड़ वगैरह तले। तो पापड़ में हमारे यहाँ आलू के चिप्स और पापड़ और चावल के पापड़ बने थे, बाकी हमने बाहर से साबूदाना और ये सब के मंगाए थे। ये जो रोल रोल करके होते हैं, सारे हमने कुछ बाहर से मंगाए थे। तो दोस्तों पापड़ भी बहुत अच्छे लगते हैं चाय के साथ। और आइए, आप लोगों का भी स्वागत है हमारे यहाँ चिप्स पापड़ में, और गुजियाँ खाइए आके सब लोग अच्छे से। तो कुछ इस तरीके से ही हमने अपना घर में ही रह के होली एंजॉय किया था। और कुछ गेस्ट भी आए, कुछ गए, बस कुछ इसी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई है नहीं ज़्यादा जिससे हम होली वगैरह खेल सकें। और ये देखिए मैंने आर्या के लिए प्लेट लगा के रख दी है होली की, उसकी पिचकारी है एक ये वाली और एक जो दूसरी टाइप की आती है ये। तो बस आर्या बोल रही थी मुझे कितनी जल्दी अब होली खेलना है। तो चलिए आर्या को इंजॉय देते हैं होली का। और ये देखिए लेके खड़ी हैं, पूरी भूत बन चुकी थी खेलने के बाद होली, मैं दिखाती हूँ। तो हम लोगों ने कुछ इस तरीके से होली का फेस्टिवल एंजॉय किया। देखिए आप लोग देख सकते हैं आर्या को कितना एंजॉय किया इसने, अकेले ही मेरे कलर लगाया अपने पापा के। और ये देखिए बहुत ज़्यादा हम लोग, सिर्फ हम लोगों ने गुलाल की ही होली खेली। आर्या के लिए थोड़ा सा हमने कलर हल्का सा पानी में मिक्स किया था, वरना मुझे गुलाल की ही ज़्यादा पसंद है, और मुझे ना कलर वाली नहीं पसंद है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं एक नए वीडियो में।